देखते हैं ना कैसे हमारी जमीन जायदाद पे कब्जा करते हैं। हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जो हमें उसकी ये सजा दे रहे हैं वो लोग। चलो काकू साहब, आज ही काकू साहब से हमारे सारे सवालों के जवाब मांगेंगे। चलो काकू साहब। छोरी के तक कोई पहुंचते ही रतन तरह तरह की बातें करेगा, लांछन लगाएगा कि छोरी भाग गई थी। जमीन जायदाद के लिए हम चोरी को बातें ना सुनने दे। तो आज के सीन में ही हो रहा है कि फालतू फाइनली हॉस्पिटल से आ चुकी है, उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। अभी उसको क्लियर नहीं दिख रहा बट बहुत कुछ नजर आ रहा है। एकदम सब खुशी का माहौल होता है पर फालतू की जिंदगी में खुशियां कैसे आ सकती हैं। तो अचानक से बापूसा को कॉल आता है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो मेरे काकूसा हड़प रहे हैं वहाँ पे। तो अब हमें कैसे भी कर इत्तरपुर जाना है। अब कौन जाता है कौन नहीं रह जाता है आपको एपिसोड्स में देखना पड़ेगा। ओके, आयान की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको अब थोड़ी बहुत सच्चाई भी पता चल रही है, उस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी? तो फालतू यानी दूसरे से प्यार करते हैं वो तो उन दोनों को पता ही है, पर साथ नहीं हो सकते क्योंकि बहुत सारी मजबूरियां हैं। तो फालतू ये चाहती है कि मार्ट साहब तनीषा जी के साथ खुश रहें। अब लेट्स सी कब फयान रियूनाइट होंगे। ओके, लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगी? तो थैंक यू सो मच एवरीवन, शो को आप इतना प्यार देते हो, इतना पसंद करते हो। आई जस्ट होप आपको ऐसे एपिसोड अच्छे लगते रहें और आप ऐसे ही प्यार देते रहो। ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? देखते हैं ना कैसे हमारी जमीन जायदाद पे कब्जा करते हैं। हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया हमें उसकी ये सजा दे रहे हैं वो लोग। चलो काकू साहब, आज ही काकू साहब से हमारे सारे सवालों के जवाब मांगेंगे। चलो काकू साहब। चलो काकू साहब, क्या सोच रहे हो? हम छोरी को लेकर इत्तरपुर ना जा सकते। हर एक मुश्किल को संभालने के लिए दूसरी मुश्किल में ना पड़ सकते। छोरी के इत्तरपुर पहुंचते ही रतन तरह तरह की बातें करेगा, लांछन लगाएगा कि छोरी भाग गई थी। जमीन जायदाद के लिए हम छोरी को बातें ना सुनने दे सकते, संभाल लेगी इसे। ख्याल रखिएगी इसका। क्यों ना संभाल पाऊंगी बापू साहब, पहले भी तो संभाला है इसने, अब भी संभालूंगी, तो चिंता ना करो। हमारे पीछे यहाँ घर में ही रहना, एक दूसरे का ध्यान रखना, बाहर मत जाना। मैं चिंता ना करो, अगर काकू साहब ने हमारी बात ना मानी तो हम कचहरी जावेंगे, पुलिस के पास जावेंगे। मैं भी लड़ूंगा बापू साहब से। है चलो इत्तरपुर, देखे थारे साहब कैसे अन्याय करते हैं वो लोग। पर बापू साहब समझने की बस, मैंने सुना ना चोरी, मैंने कहा कि अगले महीने तनी ट्रायल मैच खेल रहे, ऐसे खेलेगी तू मैच, ऐसे आएगी तारी आंखों की रोशनी। चाहो तो जमीन हाथ से जाने दे, घर को गेस्ट हाउस बन जाने दे। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.